कीनिया के सहाफी ने अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक पुलिस के झूठे दावे का भांडा फोड़ दिया। कीनिया के मारूफ इन्वेस्टिगेटिव सहाफी ब्रायन ओबोया ने इंकशाफ किया है कि पुलिस ने अरशद शरीफ पर फायरिंग की जो जगह बताई थी उनकी लाश उस मकाम से 78 किलोमीटर दूर से मिली है, जबकि नामवर पाकिस्तानी सहाफी के जिस्म पर गोलियों के कम अज कम 2 निशानात पाए गए हैं। ब्रायन ओबोया का कहना था कि तहकीकात में होने वाली ताज़ा पेशरफ्त के मुताबिक अरशद शरीफ और उनके साथी को नैरोबी के रास्ते में सड़क छोटे पत्थरों से ब्लॉक हुई मिली थी और उन्होंने ऐसी पुरसरार सूरत हाल में गाड़ी ना रोकने का फैसला किया। यही वो मौका था जब इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अरशद शरीफ की गाड़ी पर कमोबेश 9 फायर किए गए, जिनमें से 4 गोलियां बाएं तरफ लगीं। सहाफी को लगने वाली जानलेवा गोली जबरदस्त निशाने के साथ चलाई गई थी, जो गाड़ी के पिछले शीशे से दाखिल होकर अरशद की सीट और उनके सर को चीरती हुई सामने वाले शीशे से पार हो गई। उधर पुलिस की नई रिपोर्ट में फायरिंग में मुलव्वस अफराद से मुतालिक मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली गई है। सहाफी ब्रायन ओबोया ने मजीद कहा कि पुलिस ने तो इस कत्ल की वजह शनाख्ती गलत फहमी को करार दे दिया है, लेकिन भागने वाले के लिए इत्तेफाकिया कुछ नहीं होता। अरशद शरीफ पाकिस्तान में मुनज्जम करप्शन की कहानी बिहाइंड क्लोज डोर्स रिलीज करने वाले थे, जबकि वो अपने मुल्क के कुछ आला ओहदेदारों को भी इंतहाई मतलूब थे।